अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफियान और आप देख रहे हैं फाइव स्टार गेमिंग। तो क्या हाल चाल है, आई होप आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक। तो भाई आ चुका हूँ सोलो स्क्वाड की वीडियो के साथ। और भाई यहाँ वेस्टर्न उतर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सीन देखो, मैं ऊपर उतर जाता हूँ, A4 मिलती है और बंदे नीचे कूद जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बंदा मुझे दिखता नंगा, और भाई मैं इसको पेल देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ ताकि रिवाइव ना हो जाए। और यहाँ पे देखो भाई सस्ते वाला 47 कलीपा कपड़े देख रहे हो, अब इसके ड्रेस बिल्कुल वही ड्रेसिंग की हुई है। चलो खैर, इसको मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ स्कारल मिल गई, गुड हो गया। और अभी मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं है। और यहाँ पर देखो भाई बंदे ही बंदे होते हैं, सीन चेक करो क्या होता है यहाँ पे। और भाई इसने मुझे देख लिया और मेरे पर फायर किया, मेरे पर पुश करेगा। देखो अभी इसकी बहन की डिंग डिंग मतलब बच्चा समझ रहे कैसे पुश कर रहे हो भाई अंधे धुंध। और खैर अब यहाँ पर मेरे पास स्टिल हेलमेट वेस्ट नहीं है यार, बड़ी यार इसकी कमी है। दो गोलियां लगती है, अगर हेलमेट वेस्ट ना हो तो बंदा मर जाता है। मैं वेट कर रहा था यहाँ कोई आए नहीं आ रहा, तो चलो यार यहाँ ड्रिंक शिंक पीते हैं मज़े में, ज़रा एनर्जी फुल करते हैं, ज़रा मूवमेंट तेज़ हो जाती है इससे। तो चलो थोड़ा सा, तब तक मैं कह रहा था कोई मेरे ऊपर पुश करे, क्योंकि हेलमेट अब तो मिल गया है, वेस्ट नहीं है अभी भी, तो दो ही गोलियां पड़नी है, वही बात है। अब मैं मुझे लग रहा बंदा इधर है, लेकिन बंदा नीचे होता है, मुझे पता चल जाता है नीचे है। तो चलो अब देखो, तो ये बेचारा अपनी मस्ती में ही मगन होता है यार, इसको पता ही नहीं चलता। बहुत लेट रिस्पॉन्स देता है बंदा, मुझे बहुत लेट सपोर्ट करता है, तब तक मैं इसको डैमेज कर चुका होता हूँ। खैर अब यहाँ पर देखो सामने फाइट चल रही होती है, तो मैंने कहा क्यों ना चलो हम भी हिस्सा ले फाइट में थोड़ा सा। तो यहाँ से मुझे फाइनली वन की वेस्ट मिल गई। अब मुझे हेयरिंग आ रही है, बंदे की बंदा ऊपर आ रहा। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसके साथ, देख रहे हो मुझे पता था बंदा इधर से आएगा, तो ये अकेला ही था, फिनिश हो गया। तो चलो ठीक है, गुड हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जा रहा था, तो मुझे राइट से एक और बंदे की यहाँ पे हेयरिंग आती है, और मैं रुक जाता हूँ। और अब देखो मैं डायरेक्ट नहीं इसके ऊपर पुश करता, अगर डायरेक्ट पुश करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा दूसरे घर की मदद लेते हैं, उसके ऊपर चढ़ के जंप करके जाएंगे, थोड़ा सा प्राइस देंगे। तो मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता हूँ, चढ़ जाता हूँ, तो बंदा मेरे घर में आ जाता है। तो अब मैंने कहा चलो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, यहाँ से मुझे मारना थे नीचे से, तो ऊपर आ गया। अब ये देखो भाग रहा होता है ये उधर, ये देखो यहाँ पे कवर लेने जा रहा होता है, मतलब जगह चेंज कर रहा होता है। लेकिन कैसे यार, मैं तो ऊपर था, पेल लिया। खैर बोट आ जाता है, अब मैं बोट को मारता हूँ, तो रियल बंदा देखो, और देखो बच गया मैं, कवर में हो गया, नहीं तो मुझे पेल लेता। खैर यहाँ मेरा पीक ख़राब हुआ पड़ा, कंट्रोल सही नहीं लगे हुए, तो पीक गलत हो रहा है, कोई नहीं चलता। यहाँ मैं उसको डरा रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे ही फायर दे के। अब यार ये बंदा तो इतना प्रो बन रहा था, अब देखो इसके साथ मैं करता क्यों आगे। ये देखो यहाँ भी मुझे डरा रहा है फुल, गोलियाँ शोलियाँ मार के भाई, पिरोपंती दिखा रहा है अपनी। मैंने कहा थोड़ा क्लोज चलता हूँ उसके, दूर से शेर बन रहा है, थोड़ा पास चल के इसको बताते हैं। तो मैं उसके ऊपर डायरेक्ट पुश नहीं करने वाला था, मैंने कहा वेट करते हैं, आराम से देख रहा था मैं, स्पोर्ट हो गया मुझे। लेकिन यहाँ उसको लगती कोई नहीं है फायर, और मेरे से ये बंदा कवर में ही नहीं जाता है। और ये देखो फिर मुझे देखा, अब मेरे आगे ये आ जाता है आगे, तो गोलियाँ नहीं लगती उसको। अच्छा अब आगे भाग चुका होता है, मैं हेयरिंग सुन रहा होता हूँ इसकी, तो मैं वेट करता हूँ कि मुझे ना अपनी पोजीशन दे। तो ये बंदा भी वही कर रहा होता है, भाग रहा होता है देखो। अबे भाई क्यों भाग रहे हो यार अजीब यार, ये भी जगह चेंज करने की सोच रहा होता, पता नहीं। खैर चलो यहाँ मिशन क्लियर हो गया 8 किल के साथ, तो आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ मैं आता हूँ, मुझे लगता है एक बोट है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन ये बेचारा बंदा होता है। और देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, ये बोर्ड से कम नहीं था वैसे बेचारा, कोई बात नहीं, इसको कुछ समझ ही नहीं लगी, तो चलो कोई नहीं। अभी देखो आगे जो अभी मज़ेदार फाइट होने वाली है, स्किप मत करना यार, अभी देखना मैं जून आ जाता है यहाँ पे, और भाई बड़ा ही रोला होने वाला है, मैं बंदे नोक करके भाग जाऊँगा देखना। खैर यहाँ ड्रिंक शिंक पीते हैं भाई, एनर्जी फुल होनी चाहिए एकदम से। तो अब मैं बंदे ढूंढ रहा था, मुझे बंदे मिल जाए तो चलो देखते हैं मिलते हैं नहीं। खैर यहाँ से मैं जा रहा था मज़े में, तो अब देखो यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, देखो मुझे हेयरिंग 2-3 साइड से आती है, बंदे भी 2-3 साइड पे होते हैं। अब
अब मुझे एक हेयरिंग इस साइड आती है, देखो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बाहर आए, लेकिन ऊपर की बंदा होते हैं मुझे पड़ रही होती है, मैं नॉक होने वाला होता हूँ, बच जाता हूँ, वन की वेस्ट है दोस्त, इसीलिए इतना डैमेज हो गया। तो यहाँ हीलिंग जिलिंग लगाएंगे आराम से, देखेंगे भाई बंदे, मैं जगह चेंज कर लूँ सबसे पहले पीछे, क्योंकि इस घर में लोग नेट शेट करने वाले हैं, तो मैं पीछे आ जाता हूँ आराम से। अब देखो मुझे यहाँ पे राइट पे एक ऊपर पत्थर पे बंदा देखता है, तो मैं उसको पहले तो नहीं मारता, इसको वेट करता हूँ कि परफेक्ट मारूँ और नॉक हो जाए, ताकि मैं पोजीशन ले लूँ इतनी देर में, और बंदे कहाँ हैं इसके, ये ना हो मेरे ऊपर। तो यहाँ मैं वेट कर रहा था, मुझे दिख रहा था और बंदे भी थे, वो देखो एक और भी आ रहा है। अब मैं यहाँ इसको मारने की करता हूँ, बच्चा था, इसकी किस्मत थी यार, खैर बड़े लकी होते हैं, कोई नहीं। अभी तुम देखो यहाँ पे मैं दो बंदों को नॉक करूँगा, और देखो अभी सबसे पहले एक मुझे दिखता है, मैं नेड करता हूँ, लेकिन देखो ये कूद जाता है, इस ये भी बहुत हरामी है, देखो अभी देख रहे हो, अभी मैंने गन छोड़ी हुई थी, देखो अब इसकी किस्मत बच गया है, कोई बात नहीं, कैसे बचेगा। अभी देखो एक बंदा वहाँ पे होता है, 7 से पेल लेता हूँ मैं आराम से, इसका फ़ोन नंबर देखो लिखा हुआ नाम का, खैर छोड़ो अभी। और फिर उस दूसरे को भी मैंने पेल लिया, अभी यहाँ जून आ गया है, तो मैंने कहा सबसे पहले हीलिंग लगाते हैं और फिर जाते हैं। और इसके बंदों को यार पोजीशन मुझे पता नहीं, कुछ पत्थर पे थे और कुछ कहाँ थे, तो मैंने कहा इससे अच्छा जून चलते हैं, जून भागते हैं जल्दी से और फिर इनको पेलते हैं। तो भाई चलो यार हील वील लगाओ, भागो यहाँ से। अब देखो मैं भाग रहा हूँ तो तब तक ये रिवाइव हो जाते हैं, और देखो अभी ये देखो यहाँ पे सीन, मेरे ऊपर फायर चलाएंगे, फुल मारने की कोशिश करेंगे, फुल फायरिंग। मैं कहता हूँ आता हूँ आके तुम्हें बताता हूँ मैं, देखो यार यार मैं जून से चला जाता हूँ, और अब मैं आगे जाके घरों से ना अपनी वेस्ट ले आता हूँ 2 की, तो फिर मैं वापस आता हूँ, तो फिर चलो देखते हैं क्या करता हूँ मैं इनके साथ। तो चलो भाई मैं वेस्ट उठा के आ गया हूँ यहाँ पे, और मुझे पता था वो जून से आएंगे, उनके पास गाड़ी नहीं है, तो वेट करता हूँ यहाँ पे, मुझे बंदे दिख जाते हैं तो मैं तब तक अपनी एनर्जी वर्जी फुल करता हूँ। देखो सामने आ रहे हैं बिल्कुल दूर, तो मैंने कहा थोड़ा पास आ जाए फिर खेलते हैं। देखो और यहाँ पे एक को नॉक किया, वही नंबर वाले भाई को। कोई नहीं, और यहाँ पे ये लो होता है, इसको भी हो जाता है नॉक, लो होता है तो जल्दी नॉक हो जाता है। अब खैर ये एक बंदे को रिवाइव नहीं देते जो मैंने पहले नॉक किया, यहाँ मेरे 11 किल हो जाते हैं 9 से, इसीलिए एक जून से मर जाता है पीछे जो होता है। तो चलो यार अभी जून में भागते हैं, तो अभी देखना आगे मुझे और बंदे मिलते हैं यहाँ पे। आ गया हूँ मैं यहाँ पे, और देखो मुझे यहाँ पे हेयरिंग आती है पाँव की, और मैं रुक जाता हूँ, वो बंदे सामने ही होते हैं बिल्कुल गाड़ी की साइड पे, तो मैं यहाँ वेट करता हूँ कि मेरे को पुश किया जाए और मैं इनको पेल दूँ, टीपी पी लेता हूँ। देखो यहाँ बंदा पुश कर रहा था, अजीब यार, मतलब ऐसे कौन पुश करता है क्राउच करके ऐसे, छोड़ो यार। अभी मैं लूट करता हूँ इसकी, जल्दी से कोई नेट शेट मिल जाए। अब देखो यहाँ एक और बंदा आता है, मैं पुश नहीं कर रहा, देख रहे हो आप, ये घूमता हूँ, इतना घूमता हूँ यहाँ पे, इसको ज़रा एम नहीं कर पाता मेरे ऊपर। खैर यहाँ पे एक दो और बंदे होते हैं, हम देखो उनके साथ क्या करता हूँ मैं। या अब मुझे बंदे की लोकेशन पता चल गई है, मैंने कहा क्यों ना इसको नेट से फोड़ूँ, ऐसे जाऊँगा तो मार ही ना दे, कैम कर रहा है वो, देखो अभी ये देखो अभी फट जाए, देख रहे हो। अल्लाह सुहाना, वाह भाई क्या नाम है बंदे का। तो अब उधर उस बंदे ने इसका आखिरी बंदा मार देता है, इधर मुझे किल मिल जाता है, देखना अभी ये देखो किल मिल गया, और वो बंदा जा रहा होता है यहाँ से, और देखो अभी मैं क्या करता हूँ इसके साथ, ये देखो ये अलग, और ये मैंने इसको पेल लिया, मुझे किल मिल गया। और चलो भाई अभी जून आ रहा है, इसकी लूट करके निकलते हैं, तो अब मुझे जाके स्कोप मिला है पूरी गेम में, देख रहे हो 4x3x कुछ भी नहीं मिला था इससे पहले। खैर वहाँ पे एक नेड होता है, तो मुझे पता लग जाता है एक बंदा है वहाँ पे, लेकिन अब यार ये बंदे को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ देखो कैसे छोड़ देता हूँ वो देखो आप। सबसे पहले तो मैं वेट करता हूँ आज और मैं मार दूँ इसको, लेकिन यहाँ मुझसे लेट हो जाता है, देखना अभी क्या होता है यहाँ पे। पहले मैं अच्छी सी कवर ले लेता हूँ,
और देखो मुझे दिख जाता है, और मेरा ये पीक मुझे, यार देख रहे हो कंट्रोल पीक बहुत लेट हुआ है। मैं तब तक मारने लगा था तब तक वो कवर में चला जाता है रिच के, तो मैंने कहा चलो अब छोड़ देते हैं इसको। अब जून आ रहा है, जून बहुत छोटा हो गया है तो बहुत डैमेज देने वाला है, तो चलो भागते हैं जून में। चलो भाई, देख रहा था मैं स्टील के कहीं आ जाए यार, मतलब मार ही दूँ तो पीछे से मुझे मारेगा। खैर मैं यार लेफ्ट से होके जाता हूँ सड़क वाली साइड से पार करके, ताकि वो मुझे देख ना पाए। और यहाँ आगे तुम देखना यार, आगे बंदे पहले ही जून में होते हैं, क्या ही सीन होने वाला है यहाँ पे। और मैं सबसे पहले तो भाई यार कवर देता हूँ, कवर टू कवर चलता हूँ मेरा, उसका कवर लेके आराम से, क्योंकि यार अभी चिकन निकालना, अभी इतनी अच्छी गेम की है तो मर गया तो यार क्या फ़ायदा है, समझ रहे हो। और अभी देखना यार मैं फुल मज़े में जा रहा हूँ, तो बंदे ने मुझे स्पोर्ट, बंदा मुझे स्पोर्ट कर लेता है और मुझे फायर करता है, देखना अभी यहाँ पे। और भाई यहाँ पे मैं क्राउच ना करता, क्राउच कह रहा हूँ सॉरी, प्रोन ना होता तो भाई मैं मर जाता। वो देख रहे हो बंदा सामने दिख रहा है मुझे घर पे, लेकिन मुझे हीलिंग लगानी थी सबसे पहले। अब मैंने जगह चेंज कर ली, वो घर से इस घर में आ गया मैं इस साइड से, तो उसको पता ना लगे। लेकिन यहाँ दो बंदे पहले से ही 3 स्टोरी पे होते हैं देखो अभी। और वो मेरे ऊपर नेट कर रहा होता और मैं यहाँ इसके ऊपर मोली करता हूँ। सबसे पहले मैं पोजीशन का इसका पता लगाता हूँ, तो साउंड फुल ऊपर वाले फ्लोर से आ रहा होता। अब देखो क्या करता हूँ मैं। देखो अभी मैं यहाँ नेट करता हूँ, फिर उसने भी नेट किया। अब देखो मैं गोली करता हूँ जाके, वो नेट से नॉक हो जाता है। देखो एक बंदा नॉक हो गया अब नेट से, अब देखो मूली से फिनिश हो जाएगा। नॉक के ये फिनिश हो गया, और अब एक और मैंने मूली कर दी, अब एक और नॉक हो जाएगा मूली से, देखना। 16 किलो हो गए यहाँ पे और ये नॉक हो गया स्टार एक्स मेहताब। ओके तो अब इसका टीममेट इधर ही था, मैंने कहा रेस्ट नहीं करना क्योंकि जून जाना है, फाइट लंबी नहीं करनी, तो चलो जून चलते हैं। वेस्ट मिल गई थी मुझे, अच्छा हो गया। अब मुझे साउंड आ रही थी कि उसका टीममेट उसको रिवाइव करने गया हुआ है। खैर यहाँ सामने भी एक बंदा था, तो मैंने कहा यार स्मोक डाले पहले, थोड़ी सी कवर शवर बना ले। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने कवर बना दी, तो चलो अब वेट करता हूँ। पीछे से अब वो बंदे आ रहे थे, मुझे साउंड आ रहा था लेकिन मुझे जमीन भागना था, भाग ही जा रहा था, भाग ही जा रहा था। अब वो उस कैंपर के बच्चे को देखो यहाँ सोया होता है, देखना अभी वहाँ ऊपर शायद ये ऑफलाइन हो जाता है, कुछ ऐसे ही होता है। देखो अब मुझे पता नहीं होता, ओ एक मैं इसको खेल देता हूँ जल्दी जल्दी, शायद ये ऑफलाइन हो जाता है। खैर यहाँ वो जो दो बंदे आते रहते हैं ना वो पीछे, जिनको मैं एक को नॉक करता हूँ, वो नीचे आ चुके हैं अब, मेरे इसी बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं। एक जून से मर चुका है तो एक नीचे है, बस आखिरी बंदा नीचे है। खैर मेरा किल यार रिवाइव हो गया था, वो जून से मरता तो मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ फुल प्रो बाजी चलेगी भाई ना, वो क्या ही फनी सीन होने वाला है ना, वो निकल रहा है ना मैं निकल रहा हूँ। मैं कह रहा था मैंने, मुझे चिकन डिनर करना है कैसे भी, जैसे भी हो जाए, बस यहाँ कैंपिंग करके या जैसे भी। अब उसने स्मोक किया कैसे मेरे को बताने के लिए कि मैं उधर जा रहा हूँ घर में है, मुझे चूना लगा रहा था। खैर कोई नहीं, मैं वेट कर रहा था भाई, तू खोपड़ी दिखा यहाँ से बाहर, बस निकल तू एक बार फिर मत जब। मैं सोचा था सामने चला जाऊँ छत के ऊपर जम करके, फिर मैंने कहा नहीं यार रिस्क नहीं लेना, शायद वो मुझे सामने से मार ना दे। तो अब मैं यहाँ इधर नीचे देखना, मैं गलती से गिर जाता हूँ भाई, फिर मैं इसको पेल देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ मैं वैसे ही नीचे गिर जाता हूँ, मुझे स्पॉट हो जाता है। देखो अभी यहाँ पीक फायर से मैं इसको, और भाई ये लेटा टाइट था बट मैंने तब तक पेल दिया इसको। यार चिकन डिनर हो गया यार, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताना। मिलते हैं को नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।